हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, और मैंने आपको लुईस डॉट सिंबल्स बताए थे, यानी कि हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी एलिमेंट के बाहर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लुईस थ्योरी देखेंगे और साथ ही साथ हम लुईस रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहली थ्योरी जिसने कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में हमें बताया, दैट वाज द लुईस थ्योरी, या फिर मैं लुईस ऑक्टेट रूल भी कह सकती हूँ, जो कि मैंने बहुत हद तक आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था। लेकिन एक क्विक रिव्यू के साथ हम अपना लुईस रिप्रेजेंटेशन पर चलेंगे। सो उससे पहले, जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है, ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन्स पर खुद ब खुद आ जाएगी, सो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। जैसे कि मैंने आपको बोला, टॉपिक है द थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहली थ्योरी आती है लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं लुईस ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट आपको पता है क्या होता है? ऑक्टेट होता है जब पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन फिल्ड होती है, फुलफिल्ड कंडीशन को ऑक्टेट बोलते हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे हैं। और ड्यूप्लेट क्या होता है? जब दो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एटम्स के केस में क्या होता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट होना ज़रूरी होता है, यानी कि 1:2 कंडीशन होनी ज़रूरी होती है। याद है ना मैंने प्रीवियस लेक्चर में? सो एक रिव्यू देखते हैं, ये थ्योरी, ये रूल क्या बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंगली एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट यही चाहता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, या फिर अगर वो ड्यूप्लेट कंप्लीट कर सकता है जैसे कि हाइड्रोजन या हीलियम का केस है, तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो, एंड टू डू सो, और ये करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपनी स्टेबल एक स्टेट में आने के लिए, वो कैसे करता है? वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, या तो डोनेट करता है, या शेयर करता है। And to do so, it can either donate, it can either share, or it can accept electrons, forming a chemical bond, जिससे एक chemical bond की formation होती है। Example के तौर पर मैंने आपको पहले भी sodium का example लेके बताया था। Sodium का atomic number होता है 11, ठीक है, और chlorine का मैंने आपको बताया था जैसे 17 होता है, तो chlorine का 17 atomic number है, तो उसको एक ही electron चाहिए अपना octet complete करने के लिए, है ना? तो सिमिलरली सोडियम को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। सो ये एलिमेंट पे डिपेंड करता है, अभी वो या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, या तो उसे एक्सेप्ट कर सकता है, या इवन शेयरिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कंडीशन हो सकती है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, एक स्टेबल स्टेट में आने के लिए। सो ये था लुईस ऑक्टेट रूल स्टूडेंट्स। अब ये तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल आपको बता ही दिया था, अब मैं आपको जो टॉपिक बताने वाली हूँ वो रिलेटेड है हमारा लुईस रिप्रेजेंटेशन से। देखो, लुईस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, भी आपने क्या करना है, आपको मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा इसकी लुईस रिप्रेजेंटेशन करके दिखाइए, तो उसके कुछ रूल्स हैं, हम रूल बाय रूल उसे स्टडी करेंगे, ठीक है। फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, लुईस रिप्रेजेंटेशन फॉर सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए लुईस रिप्रेजेंटेशन करनी है हमें, ठीक है, लुईस रिप्रेजेंटेशन फॉर सिंपल मॉलिक्यूल्स। हाँ जी, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए लुईस रिप्रेजेंटेशन करनी है। सबसे पहला रूल ये बोलता है भी जब भी आप रिप्रेजेंटेशन करते हो, मैंने आपको पहले बताया था, आपने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है। सो लुईस रूल का सबसे पहला रूल, मतलब लुईस जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है, इसका पहला रूल ये है भी जितने भी एलिमेंट होंगे उनके आपने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, जितने भी एलिमेंट होंगे। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे CH4 है,
अगर आपने इसकी लुईस रिप्रेजेंटेशन करनी है तो इसके अंदर कितने एटम्स है, पहले तो देखिए, एक कार्बन का एटम है और चार हाइड्रोजन के एटम हैं, तो इन सब के हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने ज़रूरी हैं। बिक कितने हैं तो पहले हम कार्बन के अंदर देखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2-4। अगर मैं 10th के अकॉर्डिंग लिखूँ तो 2-4 लिखते थे, है ना, बी, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर आपने मतलब हमारी जो थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हो वैसे भी लिख सकते हो, 1s2 2s2 2p2, मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 4, मतलब 2sk और 2pk, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के कितने होते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन का एक ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है। कितने हाइड्रोजन है, 4 है, तो अगर एक में एक है 4 में कितने होंगे, ऑब्वियसली 4 होंगे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं हमारे, हमें फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंगली। सो CH4 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। सो आप यहाँ लिख भी सकते हो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 8 हो जाएंगे। सबसे पहला रूल ये है भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको किसी भी मतलब कंपाउंड के केस में, उसके जितने एटम्स होंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना। सो अब हम लिखेंगे फर्स्ट रूल, उससे पहले ये एक एग्जांपल जो मैंने आपको CH4 का दिया है इसको लिख लीजिए। अगर आपको एग्जांपल समझ आ गया आपको रूल ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। सो यस स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको CH4 का एग्जांपल लेके दिखाया और मैंने कहा भी आपने इसके अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट रूल को नोट कर लीजिए, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिससे हमें फॉर्मेशन करवानी और जिससे हमें स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर, मैंने बोला ना जिससे स्ट्रक्चर बनाना है, जिससे रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टोटल नंबर, ये याद रखिएगा, हमें उनका एडिशन चाहिए, हमें उसका टोटल चाहिए, ठीक है। आर ऑब्टेन्ड बाय, वो कैसे आएंगे, बाय एडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंबाइनिंग एटम। मतलब कि कोई भी एक कंपाउंड है, जैसे CH4 ही ले लीजिए, इसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं, तो इन सब के कंबाइनिंग एटम्स के, यानी कि कार्बन के और हाइड्रोजन के, आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। सबसे पहला रूल ये होता है, निकाल के दिखा दिए थे टोटल कितने थे इसमें, 8 थे, है ना। सो अब देखिए रूल नंबर फर्स्ट को वीडियो को पॉज करके हम नोट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स सेकेंड पॉइंट क्या आता है, 4A9 के टाइन एनायन आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में भी, है ना। एनायन के केसेस में क्या होता है, हर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, हर नेगेटिव चार्ज, जब भी आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने लगे हो, मान लो ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था CH4 पे, मान लो कोई चार्ज वाला आ जाता है जैसे NH4 आ गया या CO3 ट्वाइस नेगेटिव आ गया, अब इसमें मैं कहती हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालो, कैसे निकालोगे, अगर तो एनायन है और उस पर नेगेटिव चार्ज है ना तो उसको ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए मैंने बोला फॉर एनायन के केस के लिए ईच नेगेटिव चार्ज, हर नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करके दिखाऊंगी, एक बार पॉइंट देखो। फॉर केटाइन्स, केटाइन्स के केस के लिए क्या होता है, ईच पॉजिटिव चार्ज, हर पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना है, मान लो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या होगा, आपने +2 ऐड करने हैं टोटल वैलेंस में, समझ रहे हो, इनके पहले आप टोटल वैलेंस निकालोगे, अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ऐड करोगे क्योंकि उसका मतलब होता है एडिशन, और अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, +1 है, तो -1 करोगे, मतलब सब्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ में बहुत बच्चे गलतियाँ कर देते हैं और लुईस स्ट्रक्चर उनका ख़राब हो जाता है। अब देखो निकाल के दिखाती हूँ, पहले सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, फॉर एनायन ईच पॉजिटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर कैटायन ईच पॉजिटिव चार्ज मीन्स सब्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एडिशन और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, सबसे पहला हम देखते हैं CO3 नेगेटिव का और NH4 पॉजिटिव का, मैं फर्स्ट पॉइंट इरेज कर रही हूँ, आप इसी में देख लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अभी हम करेंगे और मैं ये गारंटी देती हूँ आपको पूरे YouTube पे अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली होगी जिसमें हमने इतने क्वेश्चंस
प्रैक्टिस की होंगी, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है CO3 2 नेगेटिव का स्टूडेंट्स। इस केस में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछे गए हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? आपने लिखना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इसके अंदर कौन सा एटम है? कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-4। आउटरमोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो आउटरमोस्ट शेल में होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना कहीं, सारे 6 के 6 लिख दो, बच्चे ये भी गलती करते हैं। आउटरमोस्ट शेल में, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 हैं, तो कार्बन के 4 हो गए। अब ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2-6। आउटरमोस्ट शेल में 6 होते हैं। कैसे लिखती हूँ मैं? 2 क्यों लिखती हूँ? क्योंकि पहले शेल में सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और नेक्स्ट शेल में सिर्फ 8 ही आ सकते हैं। तो 8 लिखने थे टोटल, पहले में 2 आ गए तो कितने रह गए? 6 रह गए। इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। सो 6, या फिर आप वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो भी आप बना के देख लेना, 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल में हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस में प्रेजेंट है, और यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 3 हैं, तो 3 × 6 हो जाएगा। अब सेकंड रूल क्या कहता है भी? अगर तो नेगेटिव चार्ज है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सब्सट्रैक्शन है। अब यहाँ कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, -2, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें +2 कर देंगे, समझ रहे हो? जो चार्ज है उसको ऑपोजिट कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है, देसी भाषा में उसको ऑपोजिट कर दो। तो अब इसको ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 4 + 18 + 2, यानी कि 24। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। अब ये तो एक था हमारा नेगेटिव वाला केस, एक पॉजिटिव वाला भी ले लेते हैं, NH4 पॉजिटिव का देखते हैं। हाँ जी, सो एक और केस जो मैं आपको बोल रही हूँ NH4 पॉजिटिव का, इस केस में देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। आप पहले लिखोगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पहला कौन सा एटम है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2-5। आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 लिख देंगे प्लस। अब बच्चे यही गलती करते हैं, एटॉमिक नंबर को ही टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन्स वही लेने हैं जो आउटरमोस्ट शेल में है। चाहे तो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 1s2 2s2 4 2p3। इसका मतलब क्या हुआ? पहला शेल है फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देखो सेकंड शेल में कितने? 5। देखो ये सेकंड शेल है जिसके आगे 2-2 लिखे, सेकंड शेल है, इसमें 2 तो एस के हैं और 3 पी के, टोटल कितने हो गए? 5। यानी कि वैलेंस शेल में कितने हैं? बाहर वाले शेल में 5 है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो वैलेंस शेल में 1 है। कितने हाइड्रोजन है? 4 हैं, तो × 4 हो जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव 1 चार्ज है, मैंने क्या बोला? अगर नेगेटिव है तो ऐड कर दो, पॉजिटिव है तो माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्या होगा? 5 + 4 - 1, यानी कि 8। यानी कि इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या कहता था? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालो, वो न्यूट्रल का केस था भी, सबका ऐड कर दो। सेकंड रूल कहता है भी अगर एनायन और कटायन आ जाए तो कैसे करना है? पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दो, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखने लगे हैं थर्ड रूल, उससे पहले इसे नोट कर लीजिए। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है रूल नंबर 3, यानी कि सेंट्रल पोजीशन। अब देखिए कई कंपाउंड्स, एक तो आपको मान लो एग्जांपल दे दूं H2 का, तो आपको स्ट्रक्चर बनाने को दे दिया जाए तो आपको पता है H और H में ही बॉन्ड बनेगा। ये नहीं मैं बताती भी सिंगल बनेगा डबल बनेगा, वो अभी सिखाऊंगी, लेकिन मान लीजिए अगर आपको अलग अलग एटम्स दे दिए जाते हैं, मान लीजिए आपको NF3 दे दिया, CO3 दे दिया, अब आप क्या करोगे? आप कैसे कर सकते हो? या तो आप ऐसे कर सकते हो, NF3 को ऐसे लिख दो, मतलब बीच में F को लगा दो, या बीच में N को लगा दो। आपको कैसे पता भी सेंट्रल एटम कौन सा होगा, बीच वाला कौन सा होगा? ये गलत स्ट्रक्चर था, ठीक है, कमेंट मत कर देना मैम गलत बनाया, मैं बता रही हूँ मैं गलत ही बना रही हूँ। देखो आपको कैसे पता ये स्ट्रक्चर सही है, या आपको कैसे पता ये सही है? इधर मैंने नाइट्रोजन को सेंटर दिया, इधर मैंने फ्लोरीन को सेंटर दिया, आपको कैसे पता सेंट्रल एटम कौन पोजीशन एक्वायर करेगा? सो उसके लिए ये रूल बनाया गया है, ठीक है, ताकि हमें सेंट्रल एटम पता चले कौन सा सेंट्रल एटम होगा, कौन सी सेंट्रल पोजीशन वो एक्वायर करेगा। सो देखिए इन जनरली जो हम देखते हैं
लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट आपको समझा चुकी हूँ थर्ड चैप्टर में, जिस भी स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी है देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है, थर्ड चैप्टर के। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो सेंट्रल पोजीशन एक्वायर करेगा। अब आप देखिए नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल पोजीशन क्या करेगा, एक्वायर करेगा, तो ये सेंट्रल एटम है, और फ्लोरीन क्या कहलाएगा, टर्मिनल एटम कहलाएगा, ठीक है। ऐसे CO3-2 में कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए वो सेंट्रल पोजीशन एक्वायर करेगा। ये तो जनरल का केस था। अब मान लो कई में आपको क्या, आपको नहीं पता चलती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे पहले आपने क्या देखना है, लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर का मतलब कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जैसे यहाँ नाइट्रोजन एक है, फ्लोरीन तीन है, तो कम कौन सा है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। ऐसे CO3 में देखो कार्बन एक है, ऑक्सीजन कितने, तीन, तो कम कौन सा है, कार्बन, तो कार्बन ऑक्यूपाई करेगा। पहली प्रायोरिटी है लीस्ट नंबर देखना, कम क्वांटिटी देखना। सेकंड प्रायोरिटी, अभी अगर लीस्ट नंबर दोनों के मान लो इक्वल आ जाए फिर क्या करोगे, फिर आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम है, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो क्या करेगा, एक्वायर करेगा सेंट्रल पोजिशन। वो भी मान लो नहीं आपको नहीं हो पा रहा उससे भी, फिर थर्ड जो आती है प्रायोरिटी होती है साइज जिसका बड़ा है, जिसका साइज बड़ा होगा वो सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। अगर इससे भी नहीं समझ आता, ठीक है, लास्ट ऑप्शन आता है एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा वो सेंट्रल एटम कहलाएगा। सो आप लिख सकते हो पहली प्रायोरिटी है लीस्ट नंबर, फिर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम, फिर है साइज जिसका बड़ा, और फिर है एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा। तो ये सारे रूल्स NCERT से लिए गए हैं, ठीक है, और ये जो रूल बनाया गया है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया ताकि आप क्वेश्चन कर सको। तो इसको आप स्टार करके NCERT में चाहे नोट कर लीजिएगा। अब एक और चीज़ जो देखी हुई है बहुत ही ज़्यादा, भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं कहलाते। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे, हमेशा टर्मिनल का ही काम करेंगे, साइडों वाला का ही काम करेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा रूल नंबर थर्ड। वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है नेक्स्ट रूल, यानी कि रूल नंबर फोर। क्या कहता है रूल नंबर फोर, आफ्टर काउंटिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपने क्या करना होता है, देखो सबसे पहले ना हमें जब इलेक्ट्रॉन्स, हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लिए तो हम क्या करेंगे, उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे डॉट से। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रायोरिटी, जितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, मैं करके दिखाऊंगी, एक बार रूल नोट करना है, ठीक है। देखो आफ्टर काउंटिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए पहले हम काउंट करेंगे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग, पहले हम बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, अगर उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकते हैं और लोन पेयर भी बना सकते हैं, दो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। सो उससे हम क्या बनाएंगे, मल्टीपल बॉन्डिंग में वो पार्टिसिपेट करेगा या फिर वो लोन पेयर के तौर पर रहेगा। ये पॉइंट अभी समझाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, विद इन 2 मिनट समझाऊंगी। अब देखिए सेंट्रल एटम जो अभी मैंने बात की थी, सेंट्रल एटम की क्या होती है, अभी वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी बना सकता है। कैसे, आपको मैंने बोला था एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, मतलब एक एलिमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वो स्टेबल है, लेकिन जो सेंट्रल एटम है, बीच वाला एटम है ना, उसके पास 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब आप कहोगे ये क्या मतलब है, ऐसे तो फिर सारों के पास हो सकते हैं, नहीं, ओनली बीच वाले एलिमेंट, जैसे अभी CO3 ट्वाइस नेगेटिव दिखाया था, उस केस में कार्बन सेंट्रल एटम था, तो कार्बन के पास ये है प्रॉपर्टी, ठीक है, ये उसके पास एक मैं कहूँ खासियत मैं कह सकती हूँ, उसकी स्पेशलिटी है भी, वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने कुछ एलिमेंट्स, मतलब एटम्स दिखाए हैं जिनके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, अगर वो सेंट्रल एटम है तो, अगर वो साइडों वाले एटम है तो नहीं, तो वो ऑक्टेट ही कंप्लीट करेंगे, तो वो 8 ही इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, लेकिन अगर बीच वाले हैं तो वो ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 2, मैक्सिमम कोवेलेंसी 2 का मतलब हुआ भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। उसके बाद सल्फर 6 बॉन्ड्स बना सकता है, मैक्सिमम वैलेंसी का मतलब होता है कितने और बॉन्ड्स बना सकता है, 6 बना सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन 5 बना सकता है, लेकिन 5 बना सकता है, लेकिन बॉन्डिंग 4 के साथ ही शो करेगा, जो एक रह जाएगा ना वो लोन पेयर के तौर पर उसके पास रह जाएगा।
मतलब बॉन्ड्स चार के साथ ही शो होंगे, लेकिन जो एक रह जाएगा, चार चार जब बॉन्ड बन गए, पांच में से एक ही रह गया ना, वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो लोन पेयर के तौर पर रह जाएगा, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फॉस्फोरस भी पांच वैलेंसी शो कर सकता है, मतलब पांच बॉन्ड्स बना सकता है। कार्बन चार बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। सिलिकॉन भी चार बना सकता है और क्लोरीन सात बॉन्ड बना सकता है। ये दोनों जो पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट्स अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मेरे बोलने से आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होगी जितना आप खुद उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस पे लगा के। सो अब आपको दो चीज़ें, दो टर्म्स हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है स्टूडेंट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखिए क्या होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ टू इंटू बॉन्ड। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। देखो बी, मान लो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से आप देखते हैं, H2 से देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको इरेज कर दूँ। हाँ जी, सो देखिए, अगर मैं एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, H2 की बात कर रही हूँ, इस केस में मैं बोलती हूँ भी मुझे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बताओ। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है 2 × बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो बॉन्ड होता है जो दो एटम्स को कनेक्ट करके रखता है। अब H2 के केस में एक H दूसरे H से कनेक्टेड है, कितने बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, फिर 2 × बॉन्ड, कितना बॉन्ड है, एक। तो कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, 2, यानी कि इस बॉन्ड पे एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, देखो है ना। तो ये फॉर्मूला है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का, 2 × बॉन्ड। आपको मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे, आपको पहले क्या निकालना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने, किस फॉर्मूला से, 2 × बॉन्ड से। अब आता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये भी टर्म आती है। हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए एक बारी, आपको नॉर्मल बताती हूँ, बॉन्ड पेयर तो पता चल गया आपको क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है। अब आपने कई केसेस में देखा होगा ऐसे डॉट से दो लगा दिए जाते हैं किसी ना किसी सेंट्रल एटम के ऊपर, वो होते हैं उसके लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हम निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स करके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट रूल होता था टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, उसमें से आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दोगे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये अभी इंप्लाई करके दिखाऊंगी, ठीक है। एक और चीज स्टूडेंट्स, आपको क्या होता है अभी चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर तो मैं आपको बोलती हूँ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल पे, जैसे मैंने अभी आपको NH4 पे करके दिखाया था ना पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट है, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे है। और मान लो कहीं पर आपको नेगेटिव चार्ज दे रखा है, इस नेगेटिव चार्ज का मतलब है भी ये टर्मिनल वाले एटम्स पे प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन पे है, कार्बन पे नहीं है, ये नाइट्रोजन पे, हाइड्रोजन पे नहीं है। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज आपको किसी भी मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा, मतलब कि वो चार्ज सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट है, और अगर नेगेटिव आपको देखने को मिलता है तो वो टर्मिनल पे प्रेजेंट है। फॉर्मल चार्जेस यानी कि ये जो चार्ज आया ना, ये भी निकालेंगे अभी, ठीक है। सो यस स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको टॉपिक बताया, लुईस रिप्रेजेंटेशन के रूल्स बताए, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। सो मैं वो नेक्स्ट वीडियो के लिए उसकी अलग से ही एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। सो आपने इन रूल्स को नोटबुक में नोट करना है, या NCERT भी खोल सकते हैं, क्योंकि मैंने NCERT को फॉलो करके ही आपके लिए लेके आई, ठीक है। और जो मैंने एक आधी चीज़ें आपको बताई है, उसे आप NCERT में नोट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चंस लुईस रिप्रेजेंटेशन के। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, एंड यस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।